जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ श्री और आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल श्रीज ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जिससे आप एक स्टफिंग बना सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो रोल बनाने में, या फिर मिक्स वेज डोसा बनाने में, या फिर मिक्स पराठा बनाने में, मिक्स वेजिटेबल पराठा बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पराठे को फिश शेप में बनाया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है प्याज, बंद गोभी, कैरेट एंड बीटरूट। आपके पास अगर कैप्सिकम होगा तो आप कैप्सिकम भी ले सकते हो। मेरे पास कैप्सिकम नहीं था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किए। इनको इस चॉपर की मदद से फाइनली चॉप कर लूँगी। तो चॉपर में मेरा बहुत हो गया इसलिए वो चॉप नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ा और फिर से चॉप करना पड़ा। ये देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फूल हो गया है, आप ऐसी गलती मत करना। फिर मैंने इसको निकाल लिया और आधा ले लिया, उसके बाद ये चॉप हुआ। फिर भी चॉप नहीं हो रहा था इसलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड को हटा दिया। फिर ये अच्छे से चॉप हो गए, देख सकते हैं। आपको इसको फाइनली चॉप कर देना है वरना ये स्टफिंग में नहीं अंदर नहीं जाएगा और निकल जाएगा। तो चलिए मसाला बनाते हैं। यहाँ पे तेल गर्म हो चुकी है, मैंने सारे जो चॉप्ड किए थे वेजिटेबल उनको डाल दूँगी। फिर नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा सोटे कर लूँगी। इसको पूरा कुक नहीं करना है, जब ये आधा कुक हो जाए तो इसमें डालेंगे हम मेन चीज़ जो कि है मैगी मसाला। उससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला लें। मैं पराठा बना रही थी इसीलिए मैंने इसमें सॉसेस नहीं डाले। अगर आप यहाँ पे सॉसेस डाल देंगे तो ये रोल का भी स्टफिंग हो जाएगा। तो जैसे मैं बना रही हूँ आप उसी तरह से बना सकते हैं, और आप इसको रोल भी बना सकते हैं सिर्फ सॉसेस डाल के। आप रोल भी आटे में बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पराठा ही बनाया है। तो चलिए अब इसको फिश शेप देंगे। मसाले को बिल्कुल बीचों बीच रखना है और रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है ताकि ये कम तेल में हो जाए। पर मुझे जल्दी बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज करके इसको बनाया है। तो आप देखिए इसको ऐसे ऐसे करके आप इसको एक फिश का शेप दे सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, अभी मैं इसको तेल में फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरे हाथ से ज़्यादा तेल गिर गया, पर आप इसको बहुत ही कम तेल में भी डाल सकते हैं। तल ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने तेल में हाथ डाल दिया। आप तेल में हाथ मत डालना। देखिए इनका मसाला ज़रा भी नहीं निकल रहा है। मैं जल्दी जल्दी बना रही थी इसलिए तेल ज़्यादा डाला है ताकि ये जल्दी से हो जाए। पर अगर आप चाहें तो इसको जब सिर्फ ब्रश से ऑयलिंग करके इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम तेल में बनेगा। इसके बाद मैंने जो भी बनाया वो कम तेल का बनाया। तो ये रेडी हो गया मेरा फिश पराठा। अभी आप इसको सॉसेस वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।